अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाएंगे बिहारी चॉप्स। तो ये मैंने चॉप्स लिए हैं और मटन चॉप्स मैंने लिए हैं 1.5 kg। इसमें मैं डालूंगी बिहारी मसाला, ये मैं बना चुकी हूँ, वीडियो में है, आप लोग को लिंक दे दूंगी, तो देख लीजिएगा। 3 से 4 टेबल स्पून, आप लोग अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं जितना स्पाइसी खाते हैं। 1 कप दही डालूंगी मैं भर के। 1 प्याज मैंने ब्राउन कर ली थी और ये जाएगी इसमें। वाइट विनेगर 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून कुटा हुआ फ्रेश, ब्लैक पेपर 1/2 टेबल स्पून, मीट टेंडराइजर 1 टेबल स्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। और हम एक बॉल लेंगे, इसमें हम डालेंगे सारे मसाले। बिहारी मसाला 3 लिए मैंने भर के ही फुल, और प्याज, और हम सोल्ट डालेंगे 2 टेस्ट। इन सब चीजों को मिक्स करेंगे अच्छा सा। मैं इसे लगा लगा के साइड में रखती जाऊंगी। ये देखिए हमने इसमें लगा दिया अच्छा सा, और मैं इसे कवर करके रखूंगी 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये देखिए जी, इसको 1.5 घंटा हो गया रखे हुए। यह मैं पतीली गरम कर रही हूँ और इसमें मैं डालूंगी ऑयल, बिल्कुल थोड़ा ऑयल डाला मैंने, बिल्कुल थोड़ा सा, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला है। और मैं अब चाप डाल, अभी तेज आंच पे है ये, मैं 2 मिनट तेज आंच पे पकाऊंगी, फिर इसको मिक्स करके धीमी आंच पे पकाऊंगी, इतना कि गोश्त हमारा इसी में गल जाए। ऊपर से मैं कोई पानी नहीं डालूंगी, इसी में मैं गोश्त को गलाऊंगी। ये देखिए ये साइड से पक रहा है, अब मैं इसे 1 दफा चला दूंगी। ये हमने इसे 1 दफा चला दिया, मैं इसे धीमी आंच पे पकाऊंगी, दम वाली आंच पे, इतना कि गोश्त हमारा इसी पानी में गल जाए। और मैं 1/2 घंटे के बाद आऊंगी, इसको देखूंगी, चलाऊंगी, और फिर 1/2 घंटे के बाद इसी तरह मैं करती रहूंगी। ये देखिए जी, हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए इसमें कितना पानी है, और मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, ये इसी का पानी है देखें, और ये इसी में पक जाएगा। मैं इसमें कोई पानी नहीं डालूंगी, इसको ढक के धीमी आंच पे पकाऊंगी, दरमियानी बिल्कुल दम वाली आंच पे, और जब तक पानी ड्राई ना हो जाए और गोश्त गल ना जाए। देखिए जी, हम इसे खोल के देखेंगे, अभी काफी पानी है, गोश्त गल गया है। अब मैं इसे तेज आंच करके मैं इसे भून लूंगी। थोड़ा सा मसाला कम लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मसाला और डालेंगे, बिहारी कबाब मसाला। ये देखिए, मैंने इसको भून के अच्छा सा, मैंने इसे भून के और फिर मैंने 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था, और ये अब रेडी है। मैं इसे डिश आउट करती हूँ। ये देखिए जी, हमने निकाल लिया इसे बिहारी चॉप मसाला,
और इसके साथ मैंने सिरके वाली प्याज रखी है और इसे राइस के साथ मैंने इसे सर्व किया है और इस पे मैं थोड़ी सी प्याज गार्निश कर दूंगी। ये देखिए तो ये बनाएगा इसे इस स्टाइल में और मुझे बताएगा कि कैसा लगा। अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, मेरा फेसबुक पेज है उसे लाइक कीजिएगा कुकिंग विद शेर सैयद। और ये बनाएगा इसे इसी स्टाइल में, इसको फ्राइज राइस के साथ मैंने सर्व किया है और सिरके वाली प्याज के साथ, तो ये बहुत अच्छा लगता है सिरके वाली प्याज के साथ। और इसे नान रोटी पराठे किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो ये बनाएगा, मुझे बताएगा कैसा लगा और अच्छा लगे थम्स अप कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, मेरी वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।